सो जैसा कि आपको पता है, इस साल की दो सबसे बड़ी सेल बस आज रात में आ जाएगी प्राइम मेंबर्स एंड प्लस मेंबर्स के लिए। एंड आप भी इस सेल में कोई स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस वीडियो के अंदर मेरे पिछले 3 साल का सेल का एक्सपीरियंस, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन किस प्राइस रेंज में बेस्ट होने वाला है एंड कौन सा फ़ोन आपको स्किप करके सेकेंड हैंड की तरफ जाना चाहिए, सब चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में इनडेप्थ ऑनेस्ट तरीके से पता चल जाएंगी। चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे पैसे बचाने वाली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आईफोन से। तो आईफोन 11 एंड 12 का तो कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी अगर सेल में आईफोन 11 आ जाता है तो लेना ही मत, क्योंकि ये 4G फोन है एंड सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी कंडीशन में 13-14 हज़ार रुपए का मिल जाता है। वहीं जो आईफोन 12 है वो एक 5G फोन है, पिछले साल की सेल में 33,000 रुपीज का मिल रहा था जो कि वर्थ इट नहीं था। इस साल की सेल में अगर आपको अंडर 25,000 रुपीज देखने को मिलता है एंड अगर आपकी मेन प्रायोरिटी वीडियो बनाना है तो ही इसको लेना, नहीं तो स्किप करना, क्योंकि आईफोन 12 की जो बैटरी है वो इतनी खास नहीं है। वहीं जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको ओनली 64 GB देखने को मिल जाता है जो कि आपको 2024 में रुला देगा। बाकी का मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 12 इस बार अंडर 30,000 रुपीज आएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको स्किप ही करना बेटर ऑप्शन होगा। वहीं अगर आप आईफोन 12 को सेकेंड हैंड मार्केट में देखने जाएंगे तो वो 21-22 हज़ार रुपए का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि लेना ज्यादा सेंस बनाएगा। वैसे यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इस सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। इस बार HDFC के क्रेडिट कार्ड पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो HDFC के टाटा न्यू प्लस कार्ड को नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं एंड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आप कुल 35,000 रुपए तक बचा सकते हैं। 7% की सेविंग आपको टाटा के हर ब्रांड पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बिग बास्केट हुआ, टाटा 1MG हुआ, क्रोमा हुआ एटसेट्रा आपको मिल जाएंगे। वहीं 1% की सेविंग आपको UPI ट्रांजेक्शन पर भी मिल जाती है, 2% की सेविंग न्यू पॉइंट्स पर आपको एवरी बिल पर देखने को मिल जाएगी एंड 1% आप फ्यूल पर भी अवेल कर सकते हैं। बाकी का लास्ट में आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च का भी एक्सेस देखने को मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई करोगे तो 1 साल तक ये फ्री रहेगा, अगले साल आपको 499 प्लस GST पे करना पड़ेगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 रुपए होनी चाहिए एंड जो आपकी एज है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो फटाफट इसको अप्लाई कर दीजिए ताकि आप सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। अब यहाँ पर बात करते हैं उस आईफोन की जो कि इस सेल में सबसे ज्यादा बिकेगा। जी हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के बारे में। Amazon पर इसकी जो प्राइस है वो भी रिवील हो गई है। आफ्टर अप्लाइंग कार्ड ऑफर्स ये आपको 38,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। पिछले साल ये 40,000 रुपए का आया था एंड लोगों ने इसको 45 तक बुक करा था, अभी ये 38 का आएगा एंड आप इसको आराम से अंडर 40,000 रुपीज बाय कर सकते हैं। मैंने आईफोन 13 को 2024 में यूज करा है, ये फोन काफी तगड़ा चलता है। 2024 में आपको परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। 128 GB का बेस वेरियंट मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी तगड़ी है, वीडियोज आप अच्छी बना सकते हैं। बाकी का अगर आईफोन 13 के बारे में और इनडेप्थ में जानना है तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर लाइव है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं प्रो सीरीज की तो आईफोन 13 प्रो सीरीज आपको ऑनलाइन तो देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 13 प्रो का प्राइस है अंडर 50,000 रुपीज। वहीं अगर बिगर बैटरी एंड थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो अंडर 55,000 रुपीज सेकेंड हैंड मार्केट में आप आईफोन 13 प्रो मैक्स को भी इजिली 2024 में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी का 14 सीरीज की बात कर लेते हैं एंड इस साल 14 सीरीज का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। पिछले साल आईफोन 14 50,000 रुपए का आया था, इस साल ये फोन 40-42 समथिंग देखने को मिल जाएगा। पर देखो आईफोन 13 एंड 14 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम कैमरा सेम प्रोसेसर है, बस रैम आपको 14 में 6 GB की देखने को मिल जाती है जो कि 2 GB ज्यादा है कंपेयरिंग टू आईफोन 13। बाकी का जो पूरी स्पेसिफिकेशन है कैमरा से लेकर हर चीज वो आपको सेम आईफोन 13 वाली देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप आईफोन 14 में 40-42 हज़ार रुपए खर्च करेंगे तो थोड़े से पैसे और मिला के आपको आईफोन 15 अंडर 50,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, जो कि इस साल की सबसे धमाकेदार डील होने वाली है। आईफोन 15 2024 में एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। फ्रंट साइड आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट 4 साल का बचा हुआ है, कैमरास तगड़े मिल जाते हैं। इवन आईफोन 15 एप्पल का पहला ऐसा नॉन प्रो मॉडल है जिसके अंदर आपको 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आईफोन 15 का जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, बैटरी भी तगड़ी चल जाती है। वैसे 15 का रिव्यू भी चैनल पर लाइव है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अंडर 50,000 रुपीस कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हैं एंड आप उसको 4-5 साल तक चलाना चाहते हैं तो आईफोन 15 को आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि 14 सीरीज के साथ 14 प्लस सीरीज भी इंट्रोड्यूस हुई थी एंड पिछले साल 14 प्लस बिग बिलियन डे सेल में 60,000 रुपए का आया था एंड इस साल ये अंडर 50,000 रुपीस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 50,000 रुपए में आईफोन 15 भी आपको देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से 15 लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आईफोन 14 प्लस में 2021 की आईफोन 13 की चिप देखने को मिल जाती है जो कि 50,000 रुपए में इतनी वर्थ इट नहीं है क्योंकि आईफोन 15 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आपकी बैटरी इतनी मेन प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आईफोन 14 प्लस में बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी बैटरी इतनी मेन प्रायोरिटी नहीं है तो आईफोन 15 की भी बैटरी अच्छी चल जाती है। 14 प्लस से ज़्यादा नहीं चलेगी लेकिन एक दिन आपका पूरा निकाल देगी। तो
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 14 प्लस एंड 15 में से कोई एक फोन चूज करना हो तो आईफोन 15 की तरफ ही जाइएगा। बाकी का यहाँ पर अगर आपको 14 प्लस के बारे में और जानना है कि 14 प्लस 2024 में कैसा परफॉर्म करता है तो उसका भी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लाइव है, जो कि अभी मैंने कुछ मंथ पहले ही डाला था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रो सीरीज की, तो जो 14 प्रो है वो आपको आराम से सेकेंड 60,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। 15 एंड 14 प्रो में कंफ्यूज हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही फोन अच्छे हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपए यहाँ पर बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 15 प्लस सीरीज भी आ जाती है जो कि इस साल आपको अंडर 60,000 रुपीज देखने को मिलेगी। तो 15 प्लस को भी मैंने बहुत अच्छे से यूज करा था, चलने में बढ़िया है, बैटरी काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगेन अगर आप 60,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड हैंड आईफोन 14 प्रो की तरफ चले जाओ। वहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 14 प्रो यहां पर आपको सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा एंड अच्छी कंडीशन में आपको आराम से 60,000 रुपए का मिल जाएगा। बाकी का अगर आपको बिगर बैटरी चाहिए, बिगर डिस्प्ले चाहिए तो 14 प्रो मैक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि खुद मैं पर्सनली एक साल से यूज कर रहा हूं। इसके कैमराज भी काफी तगड़े हैं, बैटरी भी काफी तगड़ी चल जाती है। तो 15 प्लस एंड 14 प्रो मैक्स में से अगर मुझे एक चीज को चूज करना होगा तो मैं सेकेंड एंड 14 प्रो मैक्स की तरफ जाऊंगा, जो कि ज्यादा बेटर डील है। बाकी का बजट कम है तो आप 60,000 रुपीज में आईफोन 14 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। वहीं इस बार 15 प्रो सीरीज भी फ्लिपकार्ट पर आपको देखने को मिल जाएगी। 15 प्रो का जो बेस वेरियंट है वो आपको 90,000 रुपए का देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक फोन एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो ये फोन आपको 95,000 रुपीज का पड़ेगा। वहीं जो 15 प्रो मैक्स है वो 1,10,000 रुपए का लॉन्च हुआ है, अगेन कोई एक फोन चेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करेंगे उसका वैल्यू माइनस हो जाएगा एंड 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के बाद आपको 1,09,000 रुपए का देखने को मिल सकता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 15 प्रो सीरीज को न्यू लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अंडर 80,000 रुपीज आपको आराम से आईफोन 15 प्रो इन वारंटी सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। वहीं जो 15 प्रो मैक्स है वो आपको 90,000 रुपए का इन वारंटी आराम से सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। तो पैसे बचाओ एंड सेकेंड हैंड की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड हैंड फोन लेने एंड भोपाल में रहते हैं तो जीतू मोबाइल पर आप जा सकते हैं, वहां पर घोड़ा नक्काश पर आपको एक अच्छी शॉप देखने को मिल जाए जहां पर जेन्युइन आईफोन्स मिलते हैं। बाकी का जो शॉप की लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सेल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी हुई है, सैमसंग के भी फोन बहुत अच्छी प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं। S24 अल्ट्रा आपको 17,000 रुपए का अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। S23 FE फ्लिपकार्ट पर 28,000 रुपीज का है। S23 जो कि 2024 में बहुत तगड़ी प्राइस पर आया है, ये आपको ऑफर्स लगाने के बाद 38,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। वहीं S21 FE 888 वर्जन वाला 25,000 रुपए का मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से लेना इतना वर्थ इट नहीं होगा। बाकी का अगर आपको जानना है कि S24 अल्ट्रा 2024 में कैसा परफॉर्म करता है, S23 FE 2024 में कैसा परफॉर्म करता है, इवन S23 2024 में कैसा परफॉर्म करता है, तो रिसेंटली अभी कुछ 2-1 महीने पहले ही मैंने सारी वीडियोस डाली हैं, आप उनको चेकआउट करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। वहीं अगर आप आईफोन 13 एंड S23 में कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोनों ही फोन का जो प्राइस है वो अंडर 40,000 रुपीज है, तो इनका भी इन डेप्थ कंपैरिजन अभी 4-5 दिन पहले डाला था, तो वो भी आप जाकर देखकर अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी का यहाँ पर कुछ मैं ऑनरेबल मेंशन भी देना चाहूंगा, जो कि फोन बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, जैसे कि OnePlus Nord C3 जो कि 25,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, अभी आपको 16,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। Motorola का G85 कर्व डिस्प्ले के साथ, वीगन लेदर के साथ 20,000 रुपए का लॉन्च हुआ था एंड सेल में आपको अगेन 16,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। Poco का X6 Pro जो कि 24-25,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, वो भी 19,000 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। वही जो Nothing का फोन 2 है वो भी 23-24,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, ये भी अगेन आपको 18-19,000 रुपए का फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट अंडर 20,000 रुपीज है तो इन चारों फोन में से कोई सा भी फोन ले सकते हैं, मेरे खुद के टेस्ट करे हुए। आई होप वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी होगी। पूरी समराइज कर देता हूं, देखो अगर आपका बजट अंडर 20,000 रुपीज है तो OnePlus Nord C3, Nothing Phone 2 है, Poco X6 Pro एंड Motorola G85 में से कोई सा भी ले लेना। अगर आपका बजट अंडर 30,000 रुपीज़ है तो यहाँ पर Samsung S23 FE आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, कैमराज अच्छे मिल जाते हैं तो वो लेना। वहीं अगर आपका बजट अंडर 40,000 रुपीज़ है तो iPhone 13 एंड S23 में से जो अच्छा लगे कंपेरिजन देख लेना मेरा, उसके बाद उनमें से कोई चूज़ कर लेना। वहीं अगर आपका बजट अंडर 50,000 रुपीज़ है तो iPhone 15 से बेटर कोई डील नहीं है। वहीं अगर आपका बजट अंडर 60,000 रुपीज़ है तो iPhone 15 प्लस न्यू आएगा, मेरे हिसाब से वो मत लेना, iPhone 14 Pro की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर अगर बजट अंडर 70,000 रुपीज है तो S24 अल्ट्रा 70,000 में भी वर्थ इट है। बाकी का जो इसकी वीडियो है वो भी चैनल पर लाइव है, जाकर देख लेना। लास्ट में यहां पर बात कर लेते हैं 1,00,000 के अंदर कोई फोन लेना है तो यहां पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, न्यू में पैसे मत डालना, प्राइस बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। 16 लॉन्च हो चुका है, 15 प्रो इतना महंगा लोगे तो मजा नहीं आएगा, तो यहां पर आप सेकेंड हैंड की तरफ जा सकते हैं। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी तो सेल की कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा। सबसे पहली टिप एंड इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको फोन की जरूरत है तभी लेना, सस्ता मिल रहा है इस हिसाब से मत लेना। दूसरी चीज, यहां पर जो कार्ड्स हैं उनको पहले से अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर सेव कर लेना, क्योंकि जब सेल ओपन होगी एंड अगर आप कार्ड डालोगे तो तब तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपको फोन लेना ही है तो मेरी पर्सनली अपनाई हुई ट्रिक है, फ्लिपकार्ट की न्यू आईडी बनाना,
फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप तो आपको मिल नहीं पाएगी, वीआईपी वाली मेंबरशिप खरीद लेना 999 की, उसके बाद गारंटीड है कि आपको फ़ोन ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब मैंने पुरानी आईडी से फ़ोन ऑर्डर करा था तो आईफोन 13 को ग्रैब नहीं कर पाया था, एंड उससे पहले जब न्यू आईडी से आईफोन 12 को ग्रैब करा था तो वो मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि न्यू आईडी वालों को थोड़ा सा ज़्यादा चांस मिलता है, बाकी का आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन।